साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। गोहाना में बीजेपी ने विजय संकल्प रैली का आयोजन किया, जिसमें पीएम मोदी ने भी शिरकत की और इस मौके पर सीएम नाब सिंह सैनी साथ में मौजूद रहे। पीएम और सीएम ने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। दूसरी ओर वोट जिहाद है। हरियाणा की जनता जनार्दन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक तरफ विकास की बात है, दूसरी तरफ वोट जिहाद की बात है, तो कौन जीतेगा? आपके जवाब ने तय कर दिया है। फिर एक बार तो 4 जून को ये मुत्तुराम की जलेबी का क्या होगा? सारी की सारी खाली हो जाएगी। साथियों, कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है और इसलिए पूरी तरह बौखला रही है। इन्हें वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जब शाही परिवार रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाता था, देश की सारी योजनाएं एक ही परिवार के नाम पर होती थी, एक परिवार के सिवाय कुछ नहीं। योजनाओं के नाम पर देश का पैसा कहां जाता था? की सरकार के प्रति बना है तो आज हरियाणा प्रदेश के जन जन ने यह संकल्प लिया है, एक एक वोट कमल के फूल के ऊपर दे करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 के 10 कमल के फूल खिला करके तीसरी बार देश की बागडोर आपको सौंपने का काम ये हरियाणा के लोग करेंगे। आज हरियाणा के अंदर 11 कमल के फूल खिलेंगे, 10 लोकसभा और 1 विधानसभा का कमल का फूल खिला करके आपके पास भेजने का काम करेंगे। मेरा आप सब इतनी भारी संख्या में जो आए हैं, हम सब आज से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मंत्र को लेकर के एक एक घर के अंदर जा करके भाइयों कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। 10 की 10 लोकसभा की सीटें आपकी झोली में डाल करके हरियाणा प्रदेश के लोग अहम भूमिका आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में करेंगे। आप यहाँ पर पधारे हैं, मैं पुनः आपका यहाँ पधारने पर हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। अम्बाला में भी बीजेपी ने भव्य रैली का आयोजन किया और इस रैली में पीएम मोदी ने शिरकत की। इस मौके पर पूर्व सीएम मनोहर लाल भी साथ में मौजूद रहे। कांग्रेस का इतिहास हमारी सेनाओं को, फौजियों को धोखा देने का रहा है। देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने भारत की सेना में ही किया था। इस ट्रैक रिकॉर्ड को कांग्रेस जब तक सत्ता में रही हमेशा नए नए घोटाले करके उसने बनाए रखा। बोफोर्स घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला,
कांग्रेस ही भारत की सेनाओं को कमजोर बनाकर रखते थे। जानते हैं क्यों? ताकि कहने का तो ये देश में लोकसभा का चुनाव है, लेकिन जैसा हम जानते हैं चुनाव के साथ साथ 2047 तक अपना देश किस प्रकार से विकसित बने उस ओर हरियाणा के लोग हमेशा तत्पर हैं, और इस चुनाव में हरियाणा के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लोगों को जब आपका नाम आता है तो इतना उत्साह और उमंग उठता है, ऐसा मानते हैं जैसे मोदी जी स्वयं उनके बीच में आकर खड़े हो गए हैं। दुनिया आपकी तारीफ कर रही है, भारत की जनता आपकी तारीफ कर रही है, लेकिन न जाने ये कांग्रेस के लोग आपकी आलोचना लगातार करते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मुझे गांव में जाने के बाद मिला। आज ने मोदी जी जब गांव में कोई कांग्रेस का व्यक्ति फिलहाल वक्त चला एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हे मॉम, हे लुक, आई कैन डाउनलोड अ सॉन्ग रियली फास्ट। आई कैन मेक डोसास फास्टर। मस्ट बी जोकिंग। बस 3 इजी स्टेप्स, मिक्स विद वाटर, स्प्रेड बैटर, फ्राई। गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। बेटा, ना बिजली ना बीमा, हम किसानों को तो धोखा ही मिला वोट के बदले। और पापा आपको बिचौलिए। पर हमें तो मिला है मोदी, बस एक वोट दिया था। अपने हरियाणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आ जाती है। सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी मिलती है, खाद बीज की कभी कमी नहीं होती। सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी दो बच्चों, तभी तो आएगी मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कार्यक्रम और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग अलर्ट मोड पर थे, और शहर के नागरिक हॉस्पिटल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया था, और यहां पर डॉक्टर और स्टाफ के स्टैंड बाय स्टाफ को रखा गया था, और साथ ही तस्वीर इसके विपरीत सामने आई। पीएम मोदी की रैली में आए एक व्यक्ति की किसी ने जेब काट ली, और जिसके बाद बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी तो उसे शहर के ट्रामा सेंटर लाया गया। जिस दौरान बुजुर्ग के बेटे ने बताया कि जिस अस्पताल में उसके पिता को लाया गया वहां के डॉक्टर अरविंद पांडे ने उनके साथ अभद्रता का उन्होंने आरोप लगाया, और साथ ही बताया गया कि डॉक्टर ने उनके पिता से कहा कि पैसे लेकर रैली में आते हैं और फिर मरने के लिए उसके पास आ जाते हैं, और पीड़ित ने मांग करते हुए कहा कि इस तरह के डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे फादर साहब पीएम की रैली में आए थे, उनकी अचानक से तबीयत खराब होगी, उनका पर्स कटा, पैसे हर बंदे को हो जाती है, 10-20 हजार रुपए जेब में होते ही हैं, तो उनका हड़बड़ाहट हुई, वो हम उनको सिविल हॉस्पिटल इमरजेंसी ट्रामा में लेके आए तो डॉक्टर पांडे, रवि पांडे जी हैं यहाँ पे कोई, उन्होंने उनको क्या बोला, एज का कुछ नहीं देखा उन्होंने, 60 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र में उनको बोलते हुए शर्म नहीं आई, उन्होंने क्या बोला है कि पहले तो रैली में पैसे लेके आ जाते हैं, तो उन्होंने ये मैं जो बनती कार्रवाई है इनके ऊपर होनी चाहिए, ये सस्पेंड होने चाहिए। मैं उस वक्त यहाँ ट्रॉमा सेंटर में सुपरविजन कर रही थी सारे प्रोग्राम की, क्योंकि हमारे आदरणीय मोदी जी ने आ जाना है, उसके लिए मैं सारा इंतजाम सुबह से ही देख रही हूँ। तो जैसे ही मुझे शोर सुनाई दिया मैंने बात पूछी क्या बात हुई है, तो मुझे यहाँ से पता चला कि जो एक ये पेशेंट आए हैं उनके साथ डॉक्टर अरविंद पांडे जो कि ड्यूटी पे थे उन्होंने कुछ निंदनीय वर्ड्स शब्द यूज किए हैं। कार्रवाई है इनके ऊपर होनी चाहिए, ये सस्पेंड होने चाहिए।
चंडीगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर उन्होंने किसान अग्निवीर समेत दूसरे मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा आइए आपको भी सुनाते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा करूंगे, ये स्थिति नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बना दी। हमें कहते हैं कि राहुल जी इतनी हिम्मत नहीं आप में कि आप अमेठी से लड़ लो। बड़ा रोचक सवाल था, हमें बड़ी हंसी आई। इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल से इस देश का प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी में हिम्मत है कि वो दक्षिण भारत से भी चुनाव लड़ते हैं, वो उत्तर भारत से भी चुनाव लड़ते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं कि दक्षिण भारत से लड़ ले। फिर हमें पूछते हैं, राहुल गांधी को कहते हैं शहजादा। अरे जिस व्यक्ति ने जब वो छोटा बच्चा था अपने पिता की शहादत देखी, वो शहजादा नहीं है, वो शहीद ज्यादा है। ये बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री को हमें, किस तरह का प्रधानमंत्री है कि किसी की शहादत का अपमान करे। इंदिरा जी के बारे में ऐसी ऐसी टिप्पणियां जो सुनकर अजीब सा लगता है कि ये किस तरह के राष्ट्र विरोधी लोग इकट्ठे हो गए इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। जिस नेता ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए उसकी पार्टी को आप ऐसी ऐसी आरोप लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हम किसानों के साथ खड़े हैं इसलिए। अरे इस देश का किसान इस देश का गौरव है। हम अगर अग्निवीरों के साथ खड़े हैं तो ये हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हमें गर्व है इस बात पर कि हम अग्निवीर जवानों के साथ खड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे याद है कि जब अग्निवीर योजना आई तो दीपेंद्र हुड्डा जी का मेरे को फोन आया कि ये बहुत गलत योजना आई है। मैं तब समझा नहीं था इस योजना, 5 मिनट से भी कम में उस व्यक्ति ने, उस नेता ने मुझे समझाया कि अग्निवीर के क्या नुकसान है इस देश की सीमा सुरक्षा को और इस देश के नौजवानों को। मैंने उनसे आग्रह किया कि दीपेंद्र भाई आप इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करिएगा। इस पूरी पार्टी में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हम लोग करते हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी थी जो हजारों लोगों ने देखी, वायरल हुई और हजारों फोन आए हम सबके पास कि साहब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अग्निवीर को समझाया। लोग पलवल के अलावपुर गांव में कांग्रेस पार्टी की चुनावी सभा में हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि बीजेपी सरकार के दिन खत्म होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे के अनुसार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और वहीं बीजेपी सरकार को उन्होंने असफल बताते हुए कहा कि सरकार 10 सालों में जनता का विश्वास खो चुकी है। गठबंधन की सरकार के आने के बाद किसान और युवाओं के लिए रोजगार, वृद्धा पेंशन, महंगाई में कम सस्ता सिलेंडर सभी लोगों को दिया जाएगा। ऐसी ही परिस्थिति थी हरियाणा में, देश से राज चलता था बदमाशों का। 2005 में आपने आशीर्वाद दिया, हमारे को बनाया। मैंने भक्त ही एक बात कह दी थी कि बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो, हरियाणा छोड़ दो। 10 साल तक कुछ नहीं हुआ, मैं शांति से रहे। आज फिर कह के जा रहा हूँ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने वाला। तो ये आपके सामने, लेकिन सारे काम होंगे। लोहारू में कांग्रेस के हाथ बदलेगा हालात रैली का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ता के तौर पर रोहतक कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी राव दान सिंह के समर्थन में वोट की अपील की। और बता दें कि इस बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी श्वेता हुड्डा पहली बार चुनाव प्रचार करने पहुंची और उन्होंने रोहतक लोकसभा में झज्जर के कई गांव में दौरा किया। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटों पे जीत की तरफ बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश का इतना बुरा हाल करने का काम किया है कि आज ये स्वयं अपनी विफलता स्वीकार करी इन्होंने और स्वयं खट्टर साहब को चुनाव के बीचों बीच बदलने का काम किया। 10 साल अगर उन्होंने काम किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई, आज विकास की पट्टी से उतारने का काम हरियाणा को किया। और मगर ये नाराजगी लोगों को दूर करने के लिए केवल मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से काम
नहीं चलेगा, अब तो जनता हरियाणा में भी सरकार बदलने का काम करेगी। गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पिछले एक महीने से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह तमाम क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में राव इंद्रजीत सिंह ओल्ड गुरुग्राम में पहुंचे, जहां उन्होंने लोग से वोट की अपील की और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो विकास के नाम पर इस बार चुनावी मैदान में है, क्योंकि पिछले 10 सालों में गुरुग्राम की दशा और दिशा बदलने का काम भारत की सरकार ने किया। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम को नए गुरुग्राम से जोड़ने के लिए मेट्रो की आधारशिला रखी थी, जिसका काम जल्द शुरू होगा। और इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत सिंह ने तमाम विरोधियों पर भी निशाना साधा। हालांकि हमने ये इलेक्शन के अंदर प्रचार करते हुए महीना हो गया है, तो इतना लंबे अरसे के अंदर लोग थक जाते हैं, गर्मी भी ज्यादा हो जाती है, तो शायद मैं सोच रहा था कि भी जोश लोगों का कम होगा, संख्या लोगों की कम होगी, लेकिन रोज आना मैं जो देख रहा हूँ, अगला दिन पहले से बेहतर हो गुजरता है। इस तरह से समर्थन और प्यार मेरे को हर वर्ग का मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये लोग अपना मेरे को समझ करके और मेरे पक्ष में और मेरी पार्टी के पक्ष में वोट डाले। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bas, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. Gana download hua? Nahi, par tab tak main idli banati hu. Humne banaya kit se. Swad se sabko deewana kar de. Deewana kar de. का चाय गजब का स्वाद। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला, तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिता। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजबब्बर ने बस हादसे की दुखद घटना को देखते हुए नूंह जिले में प्रचार के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और साथ ही राजबब्बर ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया और मेडिकल कॉलेज पहुंच मृतकों के परिवारों से मिलकर उनको सांत्वना दी और साथ ही राजबब्बर ने घायलों से उनका हालचाल जाना और सभी श्रद्धालुओं को हर संभव मदद कराने का आश्वासन भी दिया। और वृंदावन होते हुए काशी होते हुए दर्शन करते हैं, ये सब लोग पंजाब से थे, होशियारपुर जलंधर लुधियाना के लोग, कईयों ने तो अपने परिवार के तीन तीन लोगों को खो दिया। हमारे भाई हमारे साथी आपका साथ सुबह आए यहाँ पे 6 बजे सुबह आके उन्होंने कुछ लोगों को रोहतक रेफर करना था, उन्होंने रोहतक रेफर किया है और हालात बहुत खराब है। एक तो एक ऑर्गेनाइजर था उसको और उसकी माँ और उसके पति जी ने तीनों एक साथ ही चल गए। अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि मोर्चरी के अंदर पहचान नहीं हो पा रही। एक पेशेंट है जो वो बेचारी उनको ड्रेसिंग करना क्या है, उनको बहुत ज्यादा छूट मिली है, क्योंकि ड्रेसिंग के बाद उनके बेटे आ गए, उनको मोर्चरी ले जाके अपने पिता की शव को जो है।
इलेक्शन कमीशन ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से ही वोटिंग का प्रबंध किया है। चुनाव आयोग की टीम घर घर जाकर बुजुर्गों और दिव्यांगों को वोट डलवा रही है। अंबाला में 17 लोगों ने घर से वोट के लिए अपील की। अंबाला में आज एक 80 साल की बुजुर्ग महिला ने बैलेट पेपर के जरिए घर से वोट अपना वोट कास्ट में किया और साथ ही चुनाव आयोग ने 2024 लोकसभा चुनाव में बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए घर से वोटिंग की व्यवस्था की। दिनों से चुनाव प्रक्रिया में विभिन्न हम कार्रवाई करते रहे हैं। अभी ईवीएम की कमीशन जो लोग दिव्यांग हैं या बुजुर्ग हैं और जिन्होंने कहा है कि हम घर से वोट डालेंगे, उनको विशेष सुविधा इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई है, उनके घर से वोट डालेंगे। और मेरी इस एआरओ जो 4 है अंबाला कैंट क्षेत्र, इसमें 17 वोट ऐसे हैं जिनमें एक दिव्यांग है और 16 बुजुर्ग हैं जिनके वोट घर से डलवाए जाएंगे। हाँ, आज जो इन्होंने पहल शुरू करी हैगी, बहुत अच्छी पहल शुरू करी हैगी। अब जिनसे चला नहीं जाता, धूप गर्मी बहुत हैगी, उस हिसाब से जो इन्होंने पहल करी है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से वोट भी डलवाई है। हमें उससे मतलब सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, एक इंडिपेंडेंट तरीके से ही वोट डाली गई है। पूरा जो वोटिंग लगाया गया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पूरा वोटिंग का सिस्टम लगाया गया, बुली सिक्वेंसी का ख्याल रखा गया, पूरी प्राइवेसी ख्याल की दिक्कत कोई नहीं आई। मतलब हर तरीके से जैसे वहां जाकर वोट डाली जाती है कि सेम वैसे ही प्रोसीजर सब कुछ हुआ। फतेहाबाद जिले के गांव खाबड़ा कला में शराब छुड़ाने का दावा करने वाला तुलसी धाम विवादों में आ गया। धाम के खिलाफ गांव के पंचायत घर में महापंचायत हुई, जिसमें नाथ संप्रदाय और सबसे बड़े डेरे के महंत शुक्राई नाथ ने शिरकत की और लोगों से शराब नशे पाखंडवाद से दूर रहने की शपथ दिलाई। वहीं दूसरी और धाम की संचालिका संगीता देवी ने आरोपों के निराधार बताते हुए पाखंडवाद को बढ़ावा दे रही है और बल्कि लोग श्रद्धा से यहां आ रहे हैं। पंचायत में महंत शुक्राई नाथ ने बताया कि ग्रामीणों ने खाबड़ा में अंधविश्वास फैलाया है और इसी के खिलाफ महापंचायत की गई। आज फैसला लिया गया कि किसी भी रूप में यहां पाखंडवाद नहीं चलने देंगे। प्रशासन को भी इस मामले में शिकायत दी गई। आज मैं आपको बता दूं कि पिछले काफी दिनों से मेरे पास बहुत सारे लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार से जाकर के महायोगी दादा कलाईनाथ कालापीर मठ गांव कोत कला कोत उरत नाड़ा खापड़ गैबीनगर उस क्षेत्र की एक बड़ी गोपीठ है और नाथ संप्रदाय के आईपंथ की एक मुख्य गोपीठ है। वहां पर जाकर के लोगों ने कई प्रकार से निवेदन किया कि गांव हमारे खाबड़ा में कुछ पाखंड और ढोंग और आडंबर इतने पनप रहे हैं कि समाज उनसे दिशाहीन हो रहा है। आज उसी दरमियान उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग गांव खाबड़ा में आए और खाबड़ा गांव में आकर के हमने देखा कि कुछ लोग छाबड़ा फैला करके समाज को उछाबड़े में डालने का काम कर रहे हैं। अंधविश्वास फैला करके लोगों को, बाहर के लोगों को, देहात को, आम लोगों को और सामान्य समाज को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। उसी के विरुद्ध हमने समाज चेतना और जागृति का यहाँ पर लोगों को जनसमूह से इकट्ठा करके पूरी पंचायत की मदद से ये काम किया है। महापंचायत रखी गई थी, इसको हमने बहुत दिनों से महापंचायत रखने का जो फैसला किया था जी, उसके लिए हमें स्वामी जी ने जो टाइम दिया वो रखा, वो इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे गांव में जो दरिद्र एक पाखंड सब रहता था उसी धाम के नाम से, उसकी जो हमने देखी तो यहाँ पर जो लोग आ रहे थे उनके साथ बदतमीजी, उनके साथ में जो झगड़ा करना या फिर पैसे ऐंठने का जो काम किया जा रहा था। मैं तो भी भगवान की सेवा करूं जी, भी मैं तो कोई 5 रुपया बांकू मांगू या चढ़ाऊ मेरो है तो आप पूछ सको भी, मन तो खड़ू नहीं पाखंड कौन लागन बोर लोग मेरे कनावे है तो मैं वहां बुला के भी कौन लिया भी, छोटा मोटा काम मत बताऊं, पहले ही छोटा मोटा झाड़ा कोई नजर को लगा दियो, कोई बलेड़ा को लगा दियो, लगामती मच्छरदानी पीछे मेरे पिताजी करे करता देता तेरे भगवान तुलसी मांगी सेवा, फिर मैं करण लागी आड़ा भी मेरा ससुर जी है बेकरे करता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।